बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। इस बार चर्चा का विषय है उनकी शादी। दरअसल सोनाक्षी सिन्हा अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी बॉयफ्रेंड की वजह से लेकर चर्चा में रहती हैं। एक्ट्रेस को लेकर अक्सर खबरें आती हैं। वो ज़हीर इकबाल को डेट कर रही हैं। दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट भी किया जाता है, फिर चाहे वो कोई इवेंट हो या फिर वेकेशन। ऐसे में खबर सामने आ रही है शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी शादी के बंधन में बंधने वाली है। बताया जाता है कि दोनों इसी महीने में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया, लेकिन बता दें कि हीरा मंडी के प्रमोशन के दौरान कपिल शर्मा शो में सोनाक्षी ने कहा था वो शादी करने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोनाक्षी सिन्हा शादी के बंधन में बंधने वाली है। बताया जाता है वो 14 दिन बाद यानी कि 23 जून को मुंबई में शादी करने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों एक दूसरे को लंबे समय से डेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को कभी ऑफिशियल नहीं किया, मगर उन्हें अक्सर साथ में देखा जाता है। इतना ही नहीं, जही ने सोनाक्षी के बर्थडे पर प्यार भी जाहिर किया था। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर, जन्मदिन के बाद बधाई देने के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के गेस्ट लिस्ट भी सामने आ गई। वेडिंग फंक्शन में गेस्ट को लेकर कहा जा रहा है ये इंटीमेट वेडिंग सेरेमनी होगी। इसमें करीबी दोस्त परिवार के लोग भी शामिल होंगे। साथ ही कहा जाता है वेब सीरीज हीरा मंडी की पूरी कास्ट इस शादी में इन्वाइटेड है। यही नहीं, खबरों की माने तो इनमें कई वेडिंग कार्ड्स को लेकर चर्चा की जा रही। सोनाक्षी का वेडिंग कार्ड्स किसी मैगजीन के कवर के जैसा है, तो उसमें लिखा गया है अफवाहें सच हैं। बताया भी जा रहा है कि मेहमानों के लिए ड्रेस कोड रखा गया है, उन्हें फॉर्मल में आने के लिए कहा गया है। वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर काफी ज्यादा जानकारी सामने आ रही। शादी का जश्न मुंबई के बेस्टीन में मनाया जाएगा। बहरहाल अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा। अफवाहें अक्सर सेलेब की शादी की आती रहती हैं। कहा जाता है कि सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर से इंगेजमेंट भी की है। अब देखना ये होता है 23 जून को दोनों शादी करते हैं या नहीं।